अरे रहे क्या हुआ? मतलब एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन दिन दिया है, तीन दिन। ये आपका पसंद का होगा मुझे लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सुबह का बज रहा है 6 और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। अभी का मौसम बहुत ही बुरा है। अभी देखिए चारों तरफ कैसे कोहरा छाया हुआ है। और सुबह में ना हल्का था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा धूप निकलने का टाइम हो रहा है ना, और ज़्यादा कोहरा छा रहा है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड की मौसम जो है ना वो शुरू हो चुकी है, और हल्का ठंडा भी लग रहा है। और आज मेरे दोनों बेबी लोग इतना सुबह में उठ गए थे ना। देखिए हमारा चिक्कू क्या कर रहा है। देखिए यहाँ बाय कर रहा था। मौसम ठंडा है ना, एकदम धुंध बरस रहा है, ऐसे हम बाहर घूमना है इनको। हम तो कार में लगा लिए भैया, हमको सर्दी हो जाता है इसी चलते। और बाबू का ना क्या बोलते, फिर से चौराता निकल रहा है, तो उसको दबाना पड़ रहा है, तो रोड जाना पड़ रहा है हम लोग सुबह से। और हाँ गाइज, आज का व्लॉग मुझे बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलने वाले हैं व्लॉग में, बने रहिए आप सब। लेकिन उससे पहले ना, आज हम बनाने वाले अपने घर में बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, जो कि इस मौसम में ना यूँ पहला सब्जी कह मतलब कह सकते हैं आप सब। और वो हमारे घरों में भली भांति लगा हुआ है, जो कि मैंने बहुत दिन से बोया भी था उसको, और ये इतना अच्छा पत्ता निकल गया है ना कि हम क्या होता है आप सबको। हाँ, पहले गांव में क्या होता था ना कि मिर्चा और लहसुन निकाल मतलब लगा के और ये खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और ये देखिए मैंने आज ये वाला बिंदी लगाया, अच्छा लग रहा है ये वाला बिंदी। मुझे इस टाइप का बिंदी अच्छा लगता है, आप सब बताना आप सबको पसंद है कि नहीं। और धीरे धीरे जो मेरा मेहंदी है छूटना शुरू हो रहा है, क्योंकि काम होता है ना तो भी कपड़ा पर धोना पड़ जाता है। बैठना तो है नहीं कि चलेगा एक सप्ताह तक। पहले जब शादी नहीं हुई थी ना मायके में, तो मेरा पूरा 15-15-20 दिन तक मेरा रहता था मेहंदी। क्या हो रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, खा मार खाइएगा। और ये कुछ भी नहीं पा रहा, देखिए मौसम कितना खराब है। ये बाहर इसको अंदर रखे थे ना, तभी बाहर आ गए पापा घूमने के लिए। और इधर देखिए हम कुछ सब्जियां रखे थे तब। दोस्तों ये है देसी फ्रिज का जुगाड़, क्योंकि शीत बरसता है ना तो सब्जी ये सब जो खराब नहीं होता है, बिल्कुल एकदम ताजा का ताजा रहता है। तो इधर बैगन भी रख दिए हैं, शीत है ये देखिए। कोई कहेगा अभी जस्ट खेत से खोद के लाई है। ये कुछ हम खड़े आधा के जी पालक, ये धनिया का पत्ता, और साथ में ये देखो वो लची चना है, जो कि भी महंगा है बट खाने का मूड किया, सोचे कि पहला सब साग है तो हम लोग ले लेते हैं, अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए ऐसे लग रहा है ना कि ये घर का है ना, ये खोटा हुआ, लेकिन फिलहाल अभी इसको खोटेंगे नहीं। लेकिन इसमें कितना अभी नहीं खोटेंगे, चटनी का काम आएगा। पहले इसका और इसका साग बनाते हैं, और बनाएंगे आलू बैंगन का सब्जी और साग चावल। वाओ, बहुत मजा आता है ये खाने के बाद ना, घर का याद आ जाता है। तो किन्हीं वो चना का साग ज्यादा पसंद है बताइएगा हमें जरूर। और ये सुबह सुबह खेतों का जो नजारा है ना गाइस, वो अलग ही अनुभव हो जाता है। और ये सारा हमने देसी जुगाड़ रखा था बहुत पहले से ही, ताकि हमारी जो सब्जियां है ना वो हरा रहे। और यहाँ पे देखो हमारे यहाँ फ्रिज तो नहीं है, बट फ्रिज बाहर में ही है, पूरा एकदम कैसा शीत कैसा हो गया ना, पूरा प्लास्टिक का सीट आ गया था। हमने ये सब पता है कहाँ से देखते हैं, मम्मी जब मायके में थी ना, तो मम्मी सब्जी जी कुछ भी आता ना, तो मम्मी सीट में बाहर रखती थी, जिससे कि ना वो सब्जी ना थोड़ा ताज़ा रहे और वो घर में झुरमुराए नहीं, क्योंकि प्लांग में तो गर्मी ज़्यादा होती है। तो वही सोचिए क्यों ना ये हम भी अपनाते हैं, यहाँ पे फॉलो करते हैं। वाकई में सच में मम्मी का नुस्खा काम आया। और देखिए पालक निकाले थे हम, जो कि पालक निकल रहे हैं, और उधर देखिए हमारे लहसुन निकली है, जो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस वर्ष तो हम उतना खेती नहीं कर पाए, कुछ रीजन था, तो अभी देखते हैं जितना है उतना है। और इधर हमारा मिर्चा कितना सब दे रहा है, उधर चिल्ला रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं फटाफट से खाना बनाते हैं, क्योंकि बाबू को स्कूल के लिए लंच टिफिन बना के भेजना है, और डोग पापा को ड्यूटी भी जाना है, साथ में बाबू को दांत भी मतलब जतवाना है, तो बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा। देखते हैं फिलहाल सब्जी रोटी बनाएंगे, और उस टाइम अगर हम बाबू को जतवा के आ जाएंगे ना, तब हम साग बनाएंगे, तो डोग पापा का नाश्ता बना के रेडी करते हैं, क्योंकि कल ट्यूसडे भी था और फास्टिंग था, तो इतना सुबह तो हम दे नहीं पाए। फिलहाल इनको नहाने बोलते हैं, चाय वगैरह देते हैं। तो चलिए आप सब भी आ जाइए हमारे साथ ये सारा आज का घर का साग सब्जी खाने के लिए। और ये वाला साग फूटेंगे नहीं? नहीं, ये रहने दीजिए ना, इतना काफी है साग बनाने के लिए। मस्त एकदम सब्जी बन रहा है हमारे घर, आलू और बैंगन का, आज मजा आ जाएगा। हमारे यहाँ खुद बैगन फल करेगी, इस बार हम बैगन नहीं लगा है ना, बड़े अफसोस आ रहा है, फिर लगाना चाहिए था। दोनों पापा तो नहा लिए, सब्जी नाश्ता रेडी नहीं किया, टाइम भी ज्यादा हो गया, इतना फास्ट करना पड़ता है ना।
बैगन का भरवा खाया कितना दिन हो गया, रूबी कभी खिलाती नहीं। गोल का ऐसा वाला इतना इधर आटा सना रहा है अभी और इनका हाथ में चोट लगा है फिर भी किस तरह सान रहे हैं। और इधर देखिए हमारे डुगू साहब कैसे पढ़े जा रहे हैं। ऐसे कौन सो के पढ़ता है, वन है बेटा, वन है। ये बोल बोल के पढ़ है, आई सुना है नहीं। हाँ वन, आप बोले तो वन बोल दिया। हाँ हाँ गलती हो गया, बढ़िया से लिखना है। हाँ फिर लिखिए, चलिए ये बस बस हो गया। हाँ ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं सिखाने के लिए। और ये अब इनका नियम है जब बना लेंगे होमवर्क तो ताली बजाएंगे। हाँ, उसको होमवर्क पढ़ने के लिए। अब दूसरा होमवर्क बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए ये बस वाह। हाँ तो हो ही रहे हैं, वहाँ भी हो रहा है साथ में, तो चीकू पढ़ाई कर रहा है ना, गुरबक है। लेट हो रहा है, बाबू का दांत दबा रहा था इसके लिए हम लोग आ गए। बाबू रास्ते में सो गया। चीकू को मिठाई भी खाना है आंटी के हाथ है। थोड़ा सा रो रहा है अभी। दोस्तों बाबू को हमने रिसीव करके आ गए स्कूल से, और रूबी का पार्सल भी आ गया, दे दीजिए। आ गया था लाइए, दूध को पार्सल मंगवाई है। घर में झोला लाए और दोनों भाई का उठा लिया, जैसे कि दोनों के लिए आया है, एक यहाँ उठा लिया और लेके चला गया। अरे गिरने में बेटा, इन लोग का बुझा रहा है, इन लोग को प्लास्टिक फाड़ने में आज जल्दी आ गए। क्यों कहाँ जल्दी आ गए, अब बाबू को लेकर जल्दी नहीं आ गए, आज था वो मतलब काम था वो, निकल गए उन लोग इस चलते। अच्छा किया आ गए, तो अब थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए घर का साफ सफाई करने में, जल्दी टाइम मिलता है नहीं, और अभी है तो आई थिंक मतलब पहले खाना खिला लेते, इसके बाद खोलेंगे। हाँ, अभी नहीं, बाबू को ड्रेस खोलते हैं और चलिए बना दिया आपको। आज मेरा जितना जन्म ऑक्सीजन सारा मेरा बेबी लोग करेगा, और भी कुछ आया है तो थैंक यू सो मच आप इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। क्या क्या है तो आप सभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी लगी है जोर की, टाइम हो चुका है काफी। डुगू को भी बहुत लेट से छुट्टी हुआ, 2 बज गए इतना लेट हुआ डुगू को आने में, और डुगू का भी स्कूल में कुछ फंक्शन था इसीलिए लेट हुआ। चलिए पहले खाना निकालते हैं, दोस्तों माँ और बेटे मिलकर ना आज जा रहे गिफ्ट को अनबॉक्स करने के लिए। उसके पहले माँ आप सोच पड़ गई क्योंकि बेटा सारा कांड कर दिया। और मैं क्या करूँ, अब जब बेबी लोग तैयार है ही, तो चलिए इधर का डब्बा खाली देखते हैं क्या है इसमें। ये फ्लिपकार्ट जा, ये मांग लिया, अब क्या करोगे, ले ले वो मांग लिया। आप रूबी का बस नहीं चलेगा, मतलब चीकू ना अब अपना राज चलाता है, सीधे मांग लेता है दो दो दो। आज कोई फायदा नहीं है, तो ये पहले ना अपना ही गिफ्ट को ओपन कर रहे हैं, और सारा तो इन्हीं का है लेकिन इनका जो है ना पहनने वाला कुछ है। क्या है नहीं पता, ये मंगवाते हैं खुद ही पता नहीं रहता क्या क्या मंगवाते हैं। ये आपको पसंद का होगा मुझे लगता है, कपड़ा अच्छा नहीं है, ये जो दिखाया था वो नहीं दिया। नहीं ये देखिए, ये रहा पैजामा, सतरंगी पैजामा, सतरंगी है। ये रहा, ये देखिए, इसका तो दुपट्टा दिया ही नहीं। हाँ,
ये कौन सा ड्रेस है, अनार कली है? हाँ। तो अनार टाइम दुपट्टा नहीं देता है? देता है, बट इसमें दुपट्टा नहीं था, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये कलर। आपको अच्छा लग रहा है ये कलर? पहनने के बाद पता चलेगा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। मैं ट्राई करूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी, फिलहाल तो इसको रखते हैं साइड में। चलिए अच्छा ही है, ये सुंदर सा डिजाइन दिया है ना वर्क, तो लेके भाग जा रहा है। अब खोलते हैं हम अपना ज्वेलरी, इसमें है क्या? बाबू डब्बा दे दो, खोल के चुप हो जाएगा। वाव ज्वेलरी, मिठाई है इसमें। अब हमको क्या पता क्या मंगवाया। अरे क्या हुआ? मतलब एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन दिन दिया है। तीन दिन? तीन दिन मैं दिखा रही हूँ ना। वन टू एंड थ्री। मुझे पता है ये सरप्राइज आपकी तरफ से है, जो आप बोले थे ना दीदी आपको बहुत जल्द गिफ्ट आने वाला है। हम ये वाला पसंद करके ना ऐड टू कार्ट कर दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि परिदेव जी मेरी वाकई में ये ऑर्डर कर देंगे। और ये क्या गोल्ड का है, क्या है? हमको नहीं पता गोल्ड क्या है कि सिल्वर क्या है। अरे 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 अरे, एक और चीज ओपन करते हैं। गहना निकालते निकालते पहन भी लिए, और ये देखिए पहन के दिखाया जा रहा है कैसा दिख रहा है। इतना ये एक्साइटेड थे ना कि बोला नहीं पहले पहनेंगे तभी कुछ करेंगे हम। ये अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। और इसके साथ ये कान का ढक्कन, कान का ढक्कन हम नहीं पहनेंगे, ये गोल्ड। अच्छा लीजिए लीजिए, हाँ ला ना। तो ये बहुत छोटा मंगसी का लेकिन दिया है ना, अच्छा आ जाता है, बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब नहीं समझे, मतलब यहाँ यहाँ तक होना चाहिए था, मतलब यहीं तक दिया है। अच्छा पीछे साइड में। चलिए इनके ऊपर जच रहा है, फिर भी इनको रहा नहीं गया, और सारे ना गहने को ओपन कर दिए और एक एक खोल के देख रहे हैं कि कौन कैसा दिख रहा है, पहनने में अच्छा लगे या गहने। है ना खूबसूरत डिजाइन। और पता है सर क्या मुझे पसंद आया, ये वाला ज्यादा पसंद आया मुझे, ये कान का इयररिंग्स खूबसूरत दिया है देखिए। और हमको सबसे बढ़िया पता है क्या लगा? क्या? ये जो चमक रहा है। ठीक है मैं भी इसको भी ओपन करके दिखाती हूँ आप सबको कैसा लगेगा। एक एक करके ना सारा ज्वेलरी खोल के देख ही ले रहे हैं, कहीं कोई खराब तो नहीं है ना, वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसी चलते मुझे तो लग रहा है टूटा हुआ है क्या, पता है सब ठीक है। एक ही प्रॉब्लम क्या है ना, ये चैन दे दिया, यही प्रॉब्लम को लगता है ना, क्योंकि मुझे धागा जो फर्स्ट में देखा वो धागा बहुत सुंदर था। अभी देखिए कितना खूबसूरत ये डिजाइन है। ये जो है ना आपका साड़ी का मैच कर रहा है ये। हाँ, और हमको अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि लाइटिंग दे रहा है, लाइटिंग दे रहा है, प्लस में थोड़ा सा स्मूथ भी है, थोड़ा हल्का भी लग रहा है। ये आप मान लीजिए सूट पहनते हैं ना, अपने सूट में से वियर कर सकते हैं सिंपल। और इसका कान में इतना सुंदर दिया है ना, ये वाला कान का बहुत सुंदर है डिजाइन। बेबी लोग कुछ करने लगा तब ना हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन तो बस मासी करता है। तो ये रहा इसका कान का, है ना खूबसूरत, मस्त है, मस्त लग रहा है, हमको बहुत पसंद आ रहा है। अब बच गया एक और नेकलेस, उसके बाद एक और है जो कि पता ही दिखाएंगे कि नहीं है। अभी पहन के देखो तब पता चलेगा ना। अब पहन लूं? जब सब पहन के ट्राई किए तो इसको भी कर लो। बहुत सुंदर लग रहा है, वो छूटा एकदम है। तो दोस्तों एक दो तीन चार, मेरे पास चार प्रकार का गहना था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबको इसमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे पहले तो मुझे कौन कौन सा रिटर्निंग करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मुझे दो पसंद नहीं आ रहा है तो मैं रिटर्निंग कर दूंगी। और साथ में ये कपड़ा देख ही मुझे अच्छा नहीं लगा, कितना अच्छा लगा देखने में बट मेरे पसंद का नहीं है। चलिए आपको अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तो मैं इसको रखूंगी, वरना इसको कैंसिल कर दूंगी। कभी भी आपके पसंद है ये पहनना चाहिए। तो ये रहा मेरा छोटा सा हस्बैंड जी की तरफ से सुंदर सुंदर ये ज्वेलरी, जो बहुत प्यारा बहुत सुंदर है। तो और भी कुछ जो चीज़ है वो हमारा नहीं था, बस मैंने ब्लॉग में ले लिया था, तो वो बगल वाली था भी वो यहाँ पे नहीं थी तो उनके लिए सारा पार्सल आया, तो हमने सारा पार्सल अपना शेयर कर दिया, दिल से सॉरी। तो बस आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं फिर एक ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।